यस सर। Join your hands and start chanting of Omkar thrice. Om. Om. Sairam to one and all present over here, and very, very warm good morning. Sairam sir. Sairam. Sairam sir. Few common instructions. Sairam sir. Every day when this bell rings, you feel that you are in a school. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Few common instructions. Don't unmute your mic in between. बीच बीच में अपना माइक अनम्यूट ना करें, ओके? उससे मैं जब आपको कोई चीज समझाता हूं तो मुझे डिस्टरबेंस होते हैं। आज मैं आपको आई विल एक्सप्लेन यू मल्टीप्लिकेशन और वन मोर वे, एक दूसरे तरीके से मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कार्बी से, कार्बी परचेज 25 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स कार्बी परचेज 25 एंड कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल इज ₹15, कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल इज ₹15. Now, what is the total cost of apples? Sairam sir. What is the total cost of apples? Sir, may I? 1 minute. So can I? Sir, 135 is correct answer. Yes. Okay. Alankrita, your answer is different. Yes, sir. अब देखो, 25 का मल्टीप्लीकेशन हम 15 से कर रहे हैं, तो 15 5 जा 75. 5 लिख दिया, 7 अपने पास रख लिया, and 15 टू जा 30 एंड 7 प्लस 15 टू जा, अरे भाई 15 25 एप्पल्स खरीदे थे एंड कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल इज 15, तो आंसर इज 375. यस सर, मेरा भी यही आंसर आया। यस सर, मेरा भी यही आया। कार्बी के सारे एप्पल्स वापस लिए जा रहे हैं एंड आई एम गिविंग हर ओनली वन एप्पल। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना, बीच में कोई नहीं बोलेगा और आप करते जाएंगे साथ में, उसको खाली नहीं बैठना है। और आई विल गिव यू हाउ टू solve in a different way. Very soon you will see some questions based on multiplication. And in this is very important to know the different ways of multiplication. So on this page, you are able to see some questions related to multiplication. Are you able to see better? Yes, sir. Yes, sir. The first question is 25 multiplied by 25. Second question, 12 multiplied by 35. Third question, 16 multiplied by 24.
अभी आपने जो मल्टीप्लीकेशन किया है वो बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट किया है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 25 इनटू 25 आप इसके आंसर्स देखिए एंड हाउ कैन वी मेक ओ हो 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 इट इज डिफरेंट व्हाट यू एक्सपेक्टेड इट यस सर ओके अब अपना पेन और पेपर रेडी रखिए एंड जस्ट सी फर्स्ट ए क्वेश्चन 25 इनटू 25 ओके सो इसमें से कोई भी एक नंबर को वी कैन स्प्लिट हाउ वी कैन स्प्लिट वी कैन राइट 25 एज 20 प्लस 5 क्या लिख सकते हैं बेटा हम 25 को 20 प्लस 5 अब यहां पर देखिए ये जो पहला 25 है दिस इज आउटसाइड द ब्रैकेट देन मल्टीप्लीकेशन देन इन ब्रैकेट 20 प्लस 5 So first we what we will do? First we will multiply 20 and 25. लिखा है ना यहाँ पर 20 multiplied by 25, then this symbol of addition, then 5 multiplied by 25. अब बताइए 20 को 25 से multiply करना easy है? It is easy. Yes sir. Yes sir. 25 to the 50 yes, and one more zero, the 500. Plus 25, 5 ja 125. Again, this addition is simple. 5 plus 0, 5. 2 plus 0, 2. 1 plus 5, 6. So what is our answer? 625. Okay. Now, all of you write 12 into 35. Yes, sir. 2 minutes. 12 into 35. Varun. काम करो बेटा ऐसे आराम से मत बैठो 12 इंटू 25 ओके एंड मैं बता रहा हूं वही स्टेप्स फॉलो करिए उसके बाद मैं आपसे करूंगा नाउ वी कैन स्प्लिट 35 को क्या स्प्लिट कर सकते हैं 30 प्लस 5 सो राइट देयर 12 मल्टीप्लीकेशन Then in bracket 30 plus 5. Got it? 12 yes, sir. Into 35 yes. plus 12 into bracket 30 plus 5. Okay. Ab karenge. Sabse pehle 12 ka kisme into hoga? 30 mein. Right? 30 mein. Next step 12 into 30. 30 plus 12 into 5. 12 into 5. Okay. So, 12 into 5 or 12 plus 5? ये कौन बीच में बोला गलत बोला? सिद्धिका. मैंने आपको अभी बताया और आपसे ये बोला कि बिल्कुल ध्यान से सुनना है. अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे. I am repeating it again. 12 into 35. ये हमारा क्वेश्चन. 12. मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ वर्ड पे. ठीक है? आपको पूरा समझा देता हूँ क्योंकि एक बार आप जितने भी डाउट्स हैं सब अपने क्लियर कर लीजिएगा. लेकिन जब तक मैं करूँ जब तक अपना माइक म्यूट रखिएगा. This is our question. What is question? Our question is 12 into 35. मैंने आपको बताया 12 into then bracket 30 plus 5 bracket closed. Then next step. What is next step? Next step. 36 and 1 0 is 360 प्लस 12 5 जा 60
12 वी विल ऐड दैट. कैसे ऐड करेंगे देखो, जीरो की जगह जीरो आएगा. यस सर. 6 प्लस 6 12 उसका क्या आएगा, और 420. ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? यस सर. यस सर. अब सब फिर से देखिए, इन प्लेस ऑफ 25, ये 25 है हमारा जिसको मैंने डार्क किया है, I split it into 30 plus 5. Okay, beta. Now, yes. What is the symbol of before bracket cross multiplication? Multiplication. Okay, multiplication का symbol है beta. Yes, sir. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम इस 12 को पहले इस 30 से multiply करेंगे. ठीक है? किया हमने multiply. तो 12 क्या आ गया, 12 plus 30. देन ये सिंबल है प्लस, यहां लिखेंगे प्लस. सो 12 into 5, ये सेकेंड स्टेप आ गया. देन 12 into 30 360, 12 into 5 60. देन वी एड बोथ द नंबर्स. नाउ इज क्लियर बेटा? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. अब केवल वही बच्चे पूछेंगे जिनको कोई डाउट है. एनी डाउट टू एनी चाइल्ड? सर मुझे समझ नहीं आया. नो सर. क्या, क्या समझ में नहीं आया? श्योर सर. ये 12 12 मल्टीप्लाई 30 वाला 35 वाला. देखो बेटा, इसमें हमने क्या किया था, 35 को हम लिख सकते हैं ना 30 प्लस 5. श्योर? हाँ. 35 को लिख सकते हैं 30 प्लस 5. लिख सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हमने क्या किया, 12 को 30 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका आंसर आया 360. ये सब हमको एक साथ लिखना. मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ जो अभी मैंने किया है, आप इसको ध्यान से देखना फिर से. ट्वेल्व इंटू थर्टी फाइव को क्या लिखा, 30 प्लस 5. फिर 12 और 30 का इंटू किया, बीच का सिंबल प्लस लगाया, 12 इंटू 5. यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस यस सर. 12 इंटू 30 360. अगर देखो, अगर हमको यहाँ पर 12 और 30 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 12 3 36 एंड 12 0 0 प्लस 12 into 5 60, और फिर इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 420. So now I am giving you one more question. Is it clear? And try to do it. Our second is 16 into 24. 16 into 24. यस सर. आप परेशान मत होइए, आराम से करिए. 16 into 24. तो किसको स्प्लिट करेंगे बेटा? 16 plus 13 multiplied by 4. मैंने आपसे पूछा टू विच नंबर आई हैव टू स्प्लिट, हम करेंगे 24 को स्प्लिट करते हैं. यस सर. 20 plus 4. 16 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 15 प्लस 4. चलो इसके आगे करिए. ओके. फिर प्लस 4 कंप्लीटेड. डॉट गिव आंसर. 4 16 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 16 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 2 16 0 20 and 16 2 64 64 64
देखिए हम करेंगे 4 + 0 = 4, 6 + 2 = 8, 384 is the answer. 384. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अब सभी बच्चों को मेरे को उम्मीद है सभी बच्चों को यस सर सर सिंपल वे अभी देखिए थोड़ा एक स्टेप लिखना भूल गया जैसे 16 × 20 और 16 × सर मैंने नहीं सारी स्टेप्स लिखना है सर मैंने भी सारी स्टेप लिखकर ही प्रैक्टिस करना है जिससे आगे आपका काम इजी हो जाएगा अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो मुश्किल काम है उससे अच्छा तो वही था हाँ बोलो बोलो बेटा अरण्या सानवी कुछ बोल रही हो सर मैंने जिस तरह से स्टेप किया उस तरह से आसान है आपने कुछ अलग स्टेप किए बेटे नहीं सर आपने जैसा बताया था वैसे ही स्टेप किए हैं वेरी गुड यस सर ये बहुत सिंपल है ना yes, अभी भी कोई अच्छा सबरीना खान प्रॉब्लम बेटा सर मैं सर मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ना लेफ्ट हो गई थी मीटिंग से आप इस एक क्वेश्चन को थोड़ा समझा देंगे इसी तरीके के एक क्वेश्चन को आप थोड़ा शांत रहेंगी तो मैं अभी एक या तीन क्वेश्चन और समझाऊंगा हाँ कौन बोल रहा था और सर मैं हाँ बोलो वरुण सर और भी वेज है क्या इसको इंटू करने को आप निकालो ना और भी वेज है बताऊंगा आगे बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा कंफ्यूजन हो जाएगा अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा रहा हूँ और आप लोग भी खुद करते जाएंगे यस ओके सर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 × 21 तांजिल आप भी करो बेटा उसको अभी मैं सब समझा देता हूं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 × 21 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस नाउ मल्टीप्लाइड वी आर स्प्लिटिंग नंबर 30 और 21 21 Sir? Yes. 33 + 20 + 1 Clear? सर हमें ये कैसे पता चलता है कि हमको कौन से नंबर को करना है वेरी गुड क्वेश्चन आप किसी को भी कर सकते हैं मैं इसको दोनों से करके बताऊंगा ठीक है बेटा सर किसी से भी करें आंसर सेम यस 33 × 20 + 33 × 1 Then 33 को 2 से इंटू करेंगे 66 आएगा यस सर 660 नाउ 10 एंड 33 नाउ एडिशन 3 + 0 = 0 0 6 + 3 = 9 and 690 No. 693 बोर्ड पे लिखा है 693 तब भी 630 बोल रहे हैं तांजिल नाउ क्लियर बेटा यस सर ओके आई एम गिविंग यू नाउ वी विल स्प्लिट 30 इन प्लेस ऑफ 20 नामदेव जी सीधे बैठो बेटा
एवरीबॉडी इज डूइंग. शाश्वत रंजन आप दो जगह नजर आ रहे हो. Now, one more way to split this number. 33 into 21 is equal to, अब हम करते हैं 21 को split. Sorry, 30 को split. 33 को. 33 को. 30 plus 3 into 21. ओके घबराने की जरूरत नहीं है. यस सर. हाँ 30 into कितना आएगा 21 plus 3 into 21. अब यहाँ देखिए जीरो लगा देंगे पहले. यस सर. 3 1 3 3 2 6 ये कितना आ गया 6 8 30. और यहाँ पर करेंगे हम 3 1 3 3 2 6 और इसको ऐड करेंगे ये आ गया हमारा 3 plus 0 3 6 plus 3 9 693. इन दोनों क्वेश्चन को देखो आप देखेंगे कि आपको इजी जो पढ़ रहा है आप उससे किसी से भी कर सकते हैं. सर पहले हमने स्प्लिट 21 को किया था 33 को किया है. जिसको स्प्लिट करना है जिसमें ज्यादा जीरो आ जाए उसका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इजी होता है. हम हमारे काम को यहाँ पर इजी करने आए हैं उसको डिफिकल्ट करने नहीं आए. तो जो काम आसानी से हो जाए उसको पहले कर लेना चाहिए. जो काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आए उसको बाद में कर लेना चाहिए. जब हम आसान काम को कर लेते हैं तो जो डिफिकल्ट टास्क है वो भी इजीली हो जाता है. अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ आप चाहे तो और क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको. Yes, करना आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे और घर की प्रैक्टिस के लिए आप नोट करेंगे. सर आंसर सर हम रिवीजन कॉपी में लिख सकते हैं. हाँ रिवीजन कॉपी में करिए लेकिन मुझे अभी भेजना नहीं. कोई भी बच्चा मुझे भी नहीं भेजेगा और ग्रुप में भी नहीं डालेगा. देखिए आप कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए. 55 into 62 6 into 98 E and F कर लिया नोट. 55 into 62 and F 6 into 98 और ये भी कर लीजिए C वाला 16 into 24. सर ये तो हमने कर लिया अभी जो आपने करवा दिया इसे. यस सर करवा दिया आपने. हाँ तो फिर रहने दीजिए ये दो नोट कर लीजिए 55 into 62 and 6 into 98. Return. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 minute. हाँ. Sir, yes, sir. जिस नंबर में ज़्यादा जीरो रहते हैं उसको लेना चाहिए पर ये वाले नंबर में तो किसी में भी जीरो नहीं है तो हम किस नंबर को लेंगे? देखो बेटा जब आप छोटे नंबर को कि बड़े नंबर को. जब आप 55 को स्प्लिट करेंगे तब भी आपके पास एक जीरो आएगा 50 plus 5 और जब आप 62 को करेंगे तब भी एक जीरो आएगा 60 plus 2 और 98 में तो आपके पास अकेला 98 ही है तो 90 plus 8 लिख सकते हैं. Got it? Yes, sir. चलिए अब आगे अब सभी बच्चे के बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे. वरुण क्या कर रहा है? अब इसके बाद का हम क्वेश्चन देखते हैं ठीक है. और इस क्वेश्चन को पहले देखना है. जब सर बोलते हैं ना कि केवल देखो तो समय सिर्फ देखना है और जब सर बोलते हैं कि करिए और सुनिए तब दोनों काम करने होते हैं. कुछ बच्चे जब सर बोलते हैं देखना है समझना है तब उस समय वो पेन लेके बैठते हैं
और जब सर बोलते हैं कि आप करिए तो बोलते हैं कि आप हमें फिर से बता दीजिए। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स का ईवीएस में हमने पढ़ाया ना सेंस ऑर्गन्स, तो वी हैव टू यूज आवर सेंस ऑर्गन्स इन अ मच प्रॉपर वे। ठीक है जैन साहब, सिद्धिका दीदी? यस सर। थैंक यू बेटा। सिद्धिका हमारी बहुत प्यारी बच्ची है। देखिए क्वेश्चन नंबर टू, टू मल्टीप्लाई 99 by 12, वी कैन फर्स्ट मल्टीप्लाई 99 by 2 एंड देन by 10। यूज दिस मेथड टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि हे भगवान ये भी तरीका होता है क्या? ठीक है, आपको जिस तरीके से आसानी जाए ये हम सीख रहे हैं। हमको आपके घर में आपकी मम्मी को बहुत सारा खाना बनाना, बहुत अलग अलग तरीके का खाना बनाना आता है ना, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो रोज सारे तरीके के खाना बनाना ही पड़ेंगे उसको। कि रोटी है तो नो सर, किसी दिन एक तरीके का खाना, किसी दिन दूसरे तरीके का खाना। आपके पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, आप उनको कभी किसी को पहनते हैं कभी किसी को पहनते हैं, ऐसा तो नहीं कि जितनी ड्रेसेस हैं उनको सबको एक साथ ही पहनना है। आज तो मैं सारी ड्रेस पहनूंगा तो आपके ऊपर आपकी ड्रेसेस का चेंज करेंगे पहाड़ बन जाएगा, है ना, सारी एक साथ जाएंगे। अच्छा एक चीज और, हम जो भी ड्रेसेस पहनते हैं उसको हम अलग अलग ओकेजंस के हिसाब से पहनते हैं। घर में पूजा पाठ है तो मम्मी अपने बच्चों को कुर्ता पजामा पहना देती है, हमारे राजा बाबू बनके टीका लगा के खड़े हो जाते हैं, है ना। और जब किसी के फ्रेंड्स के बर्थडे में जाते हैं तो अलग जीन्स वीन्स पहन के भैया मस्त होके जाते हैं, और किसी मैरिज में जाते हैं तो और महंगा महंगा पहन के चले जाते हैं, शेरवानी पहन जाते हैं, है ना। और स्कूल आते हैं तो यूनिफॉर्म में आते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि जो मैरिज वाली ड्रेस है वो स्कूल पहन के आ जाएंगे, जो पूजा फंक्शन की ड्रेस है वो स्कूल पहन के आ जाएंगे, ऐसा होता है क्या? मैंने ये बात इसलिए बताई कि अब आप समझो कि किसको कब यूज करना है, ये आपको अपना यहाँ दिमाग चलाना पड़ेगा कि जैसी स्थिति जैसा देश वैसा भेष। This second question, to multiply 99 by 12, we can only see, करना नहीं है, we can first multiply 99 by 2, आप भी ऐसे ही करते हैं ना बेटा, जब हम 99 और 12 लिखा है तो first we multiply 99 by 2, यहाँ पर इन्होंने एक अलग बात क्या बताई है कि जैसे हमने 12 को split किया तो 10 plus 2 आएगा, तो पहले हमने 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 99 को 10 से करेंगे, yes? अब यहां पर भी वही करके दिखाया हुआ है और इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। ये बात समझ में आ गई आप बच्चों को? क्या करते हैं हम 99 into 12, तो 99 और 12 को स्प्लिट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि हाउ टू स्प्लिट ए नंबर। तो ये आप देखिए, ये हमने किया 99 into 12, हमने इसको क्या किया 99 into 12 को स्प्लिट किया, 10 plus 2, यही करते हैं ना हम। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद 99 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 99 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यस। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये चीज आपको दिखा रहे हैं 99 into 12, तो फर्स्ट यू मल्टीप्लाई 99 into 2 देन 99 into 10, देखिए किस तरीके से आ जाएगा ये 99 into 2 कितना आता है 198 एंड 99 into 10 990, देन वी एड बोथ द नंबर्स, आंसर इज 1188। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो, 123 into 45, 123 multiplied by 5,
देन 123 मल्टीप्लाइड बाय 40, जब भी 40 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट प्लेस पर जीरो लगा देना है, इजंट इट? यस और नो? यस सर। नाउ? यस सर। चलो आप सारे बच्चे ये बी क्वेश्चन करेंगे, 123 इनटू 45, जैसा किया है वैसा करके देखिए। 123 इनटू 45। सर आंसर तो हटा दीजिए। आंसर तो लिखा हुआ है, आप करिए। 123 इनटू 45 So, first we multiply 123 by 5, then 123 by 40. When we multiplied 123 by 5, answer is 615. And when we multiply 123 by 40, so 40 ka 0 pehle likh denge. And we'll multiply 123 by 4. 4 to 4 3 is 12. 4 to 8 plus 1 9. And sir, my answer is. Answer is 5,535. 35. Yes, sir. चलिए, ये तो मैंने दिखाया था आपको, अब मैं आपको बिना दिखाए बता रहा हूँ, आपको खुद करना है। चलिए 77 into 88. 77 into 88. जी दीदी। 77 into 88. 77 गुना 88. सर तीन भी नहीं आती। तो सीख लो, कोई अंग्रेज की है? मुझे आती। इंग्लैंड में आती है क्या? शर्म की बात है अगर हमको हिंदी नहीं आती। अपने देश की राष्ट्रभाषा है। हाँ, हिंदी संस्कृत सभी को बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। सर संस्कृत अभी सिक्स से संस्कृत पढ़ोगे, अंश सिखा देगा आप सभी को संस्कृत। 77 इंटू 88, और मैं तो बातें करता रहता हूँ, मेरी बात पे ध्यान नहीं दो, अपना काम करना। और कोई भी कैलकुलेटर यूज किया और मुझे कहीं बाद में पता चल गया तो ये सोच मेरा आंसर आ गया। मेरा आंसर आ गया। हाँ, वो स्टेप्स वैसे ही सेट की हैं कि डायरेक्ट आंसर लिखा है। क्या नाम है जी? सर उसी तरीके से किया है जैसे आपने समझाया था, ये दूसरे तरीके से। मैंने आपसे बोला कि जो मैंने दिखाया पहले उस तरीके से करने की प्रैक्टिस करो, आपका तरीका तो आपके पास है ही। सर मैंने उसी तरीके से किया जिस तरीके से आपने सिखाया। वेरी गुड, वेरी गुड। पवन सर एक ही नंबर चार बार है, होने दो। Not done? Yes, sir. Mradul? Mradul? Yes, sir. हो गया ना? Very good. हो गया। जल्दी किया कर मृदुल, धीरे धीरे चलेगा तो लेट पहुंचेगा। सर अभी आपने जो उसमें दिखाए थे स्क्रीन पे, मैं उस तरीके से करने लगा था, फिर मैं जो आपने समझाया था उसी तरीके से स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको मैंने जो अभी लेटेस्ट बताया था वैसे ही करना है अभी। तो देखिए 77 into 88. तो first we will multiply 77 into 8, the answer will be 616, 616. Then we will multiply 77 into 80,
दिस आंसर विल बी 6160 6160। सर मेरा पूरा आंसर करेक्ट गया है इसी वे में। वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। सही गया है। वेरी गुड, द फाइनल आंसर इज 6776। यस सर। गुड सर, मैंने स्प्लिट कर कर लिखा है। सर मैंने आपको इस मेथड से करने के लिए बोला था ना अभी, तो ओके कंप्लीटेड। यस सर। यस सर। यस सर। आप देख लीजिए ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 105 इंटू 54 एंड 259 इंटू 97। सर होमवर्क। यस दीदी। सर जो आपने अभी ये वाला 77 मल्टीप्लाई बाय 88 दिया था वैसा ही करना ना इसको भी? अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही करना है इसको। ओके सर। और मुझे भेजना नहीं है करके, मैं कल बात करूंगा इसके बारे में। सर नोट कर। 105 into 54 and second question 259 into 97. Okay. Okay. अब सब बच्चे इस वीडियो को ले watch this video to understand it in a much better way. One, two, four. I need your help. What is the name of this? 1, 2, 4. इसका नाम जो रोबोट है, 1, 2, 4 इसका नाम है. The problem. I bought 24 apples at 12 rupees per apple. The same question I asked to Carby. At that time, I kept the cost of each apple 15 rupees, but here its cost is 12 rupees. It took me 5 minutes to calculate the total cost myself. Yes, very funny. 1, 2, 4. I need to find an easier way to multiply numbers. It may help if you split the numbers. Okay, look here. There were 24 apples and each one costs 12 rupees. Now this is the question of multiplication. Ki cost of 24 apples we have to find out. In the cost of one apple it is given rupees 12. So, the total cost is 12 into 24 rupees. Let's use this board to... This, okay. 1 to 4 explain this multiplication in this way. 12 is breadth, 24 is the length of this rectangle. The multiplication, I can split 24 as 20 plus 4. Yes, the same method I did. 24 we can split as 20 plus 4. Yes. Achha, yahan kuch naya bhi aa gaya hai. Both, dono number ko split kar diya gaya hai. 12 ko bhi split kar diya gaya hai, 24 ko split kar diya gaya. Kuch log sochenge, hey bhagwan, ye to multiplication ko tough bana rahe hai ki easy bana rahe hai. लेकिन जो मैं आपको आज बताऊंगा ये आप जब आप 7th 8th में पहुंचेंगे तब ये आएंगे आइडेंटिटीज के फॉर्म में, मैथमेटिक्स में. किस फॉर्म में आएंगे? मैथमेटिकल आइडेंटिटीज. वहां आपको कैसे बताएंगे इसको मालूम है? ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ऐसे तरीके से. तो मैं आपको अभी वो डिफिकल्ट तरीका नहीं बताऊंगा. सर जैसे हमने 12 कर दिया तो हम ऐसा करेंगे w इनटू, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना मधुल अभी. अगर इतना करना होता तो मैं आपको बता देता ना बेटा. सर
देखिए अब हम उसको यहां दोनों को स्प्लिट कर दिया है बेटा, 12 को भी स्प्लिट कर दिया है और 24 को भी स्प्लिट कर दिया है। 10 प्लस 2 तो यू सी वी हैव 4 मल्टीप्लिकेशन एंड हाउ ही स्प्लिट रेक्टेंगल इन सच अ वे 10 इनटू 20। देखिए पहले किसका 10 और 20 का इनटू किया, 10 इज इन द ब्रैकेट फर्स्ट नंबर, 20 इन द ब्रैकेट ऑफ सेकंड फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड ब्रैकेट, 10 इनटू 4 देन 10 इनटू 4 2 इनटू 20 एंड 2 इनटू 4 टू गेट द फाइनल रिजल्ट We add the 4 parts to 100 plus 40 plus 40 plus 8 is 288. ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए ना, इसमें क्या करना है? मैंने यस सर, हाँ तो मैंने आपसे कुछ नहीं बोला है, मैंने आप अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना कि क्या और कोई भी तरीका हो सकता है, जी हाँ और भी तरीके हो सकते हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया है कि स्प्लिट वन नंबर, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा और आप उसमें भी कंफर्टेबल हो जाएंगे कि स्प्लिट बोथ द नंबर। शर्मा जी बैठ जाओ अच्छे से, डांस कर रही है सौम्या शर्मा, हमारी डांस भी करती है, वेरी गुड डांसर। सो सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं और कंफर्टेबल रहिए। देवांश तबीयत ठीक है बेटा? यस सर, पहले से बहुत अच्छी, मतलब अब वही नहीं है। तो अभी मैं कुछ बच्चों से पूछ रहा हूँ, सिर्फ वही जवाब देंगे जिसका नाम लूंगा। अलंकृता ने मैथ्स का काम भेज दिया है, यस। अंश ने भेज दिया है, यस। अरण्या ने, यस सर। गुड। दिशा ने, यस। देवांश, Yes, देवांश आपने काम भेजा मैथ्स का? Yes, sir. भेज दिया? Yes. बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेलीमार्क्स वाला? मैंने आपके पर्सनल नंबर पे भेज दिया था। ओके वेरी गुड। हर्षवर्धन ने भेज दिया, कनक ने भेज दिया ना बेटा? यस सर, मैंने भेज दिया था। कार भी नहीं भेज दिया, खुशहाल आपने क्यों नहीं भेजा? खुशहाल बात करो मुझसे, खुशहाल मुझसे बात नहीं। सर आपने उस दिन देख भी लिया था पर आपने रिप्लाई नहीं भेजा था। ओके नहीं बेटा, मैं अभी कंफर्म कर रहा हूँ बस, खुशहाल बात नहीं कर रहा। लक्ष्य ने भेज दिया है, मृदुल ने भेज दिया है, प्रणव भेज दिया ना बेटा? यस सर। शाश्वत ने, सानवी ने भी भेज दिया है? यस सर। शाश्वत भेज दिया। सौर ने भी भेज दिया है, श्रेया ने नहीं भेजा, सिद्धिका ने भेज दिया है। आपके पर्सनल पे भेजा है, आपने देख भी लिया। सौम्या ने नहीं भेजा, तांजिल ने भेज दिया, वरुण ने भेज दिया है। वरुण, वरुण आपने भेज दिया ना बेटा? यस सर। यतीन्द्र ने? यस सर भेज दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, आप सब बच्चों ने भेज दिया। चलिए शांति पाठ करते हैं। शांति शांति साई राम, थैंक यू सर।